हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। बेतिया के नरकटियागंज में ब्रिटिश डॉक्टर द्वारा निशुल्क ऑपरेशन कर गरीब वर्ग के लोगों के खाने पीने का भी खर्च उठाया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले एक साल से लिफ्ट वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा नरकटियागंज में मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मिथेन का कहना है कि इस चंपारण की धरती पर इंग्लैंड से आकर सेवा करने का मौका मिला है, भारत की संस्कृति को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। This idea of community eye hospitals is a very new thing for India, and Bihar is actually leading the way. It's not charitable hospitals for the poor, private hospitals for the rich, government hospitals. It's a community hospital for everyone. And why it's a brilliant idea is these hospitals will be sustainable forever and ever and ever. And it's a true solution to problems like the lack of eye care for the poor. So Bihar is way ahead of the rest of the country when it comes to thinking of a... बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के बिलबनवा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चपाकल में जहर की बात सामने आई। आपको बता दें, गृह स्वामी शंकर ने बताया कि सुबह जब वो सोकर उठा और मुंह धोने के लिए चपाकल चलाया तो उसे हरा रंग का पानी निकलने लगा और पानी से दुर्गंध भी आ रही थी। ये बात जब गाँव वालों को मालूम हुई, लोगों का हुजूम जमा हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वीडियो रामनुज कुमार कौशिक और थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने वास्तविकता की तहकीकात के लिए चपाकल को सील कर पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए दे दिया है। अरे आदमी अब तो चटर चटर चप्पल बजे और बाद से अब तो चप्पल ना बजुए तो फटाकवा घींच के सिकरिया में लगा दिए तो हमारे बुझे जो कुत्ता हवे तो हमिया उठा के आ तीन जो कुत्ता है और बाद से कुछ घड़ी दस मिनट पाँच मिनट के बाद हम जो फटक हटा दें तो फटक ना हट गए तो एक गोड़ी चल कहीं पूर्णवासी बगे अब तो फोटो अथी निकल किली में के तब हम बहरी बहरी भिनसारे उठनी है तो पानी चला के पानी पिए खातिर तो पानी उजर रखल मुन्हार तनी झोलन तो हम कहनी है कि भाठा उठा माटी हवे तो पनिया बिग देनी है गढ़ावा में फिर दोसर पानी चलौनी है फिर पनिया भी आवत आ बसात आ तब जेठकू बैठा सुतर ले तो कहनी बाबू का सुतल बाबू उठा देखा कल में जहर डालल बा। वहीं दूसरी तरफ बेतिया में होली को लेकर दियारावर्ती क्षेत्रों में एएसपी ने अभियान चलाया। इस दौरान छापेमारी में एक हिरण का खाल, एक बाइक और 180 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। आपको बता दें, इस अभियान में तीन थाने की पुलिस के साथ थानाध्यक्ष भी शामिल थे। बावजूद इसके शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पटना के बेटा में एक बार फिर पुलिस की चौकसी को नाकाम बताते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला से 1.5 लाख रुपए छीन लिए। घटना बेटा थाना के महज चंद कदम की दूरी पर डुमिनिया पुल के समीप की है, जहां जीविका की अध्यक्ष ज्ञानती देवी और कोषाध्यक्ष रुंती देवी डुमिनिया पुल स्थित एडीबी बैंक से पैसा निकालकर जैसे ही बाहर निकली, घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से बैग छीन लिया और फरार हो गए। वही घटना के बाद जीविका की महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कहा कि बिहटा में महिलाओं की सुरक्षा ना के बराबर है। आज इनका डिस्पर्समेंट था और ये नहीं, हमारी तीन ग्रुप आई हुई थी, पैसा वैसे ही निकलना था इनका। फर्स्ट का ही जैसे निकला था, इनके अनुसार कहा जा रहा है कि वो आदमी बैंक में पहले से थे। जैसे ये निकल के बाहर आई है, यहीं से बाइक से वो मतलब बैठा और साथ में इनका पूरा छीनते हुए निकल चुका है। अब ये सीसीटीवी कैमरा में सर ने अभी देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो आदमी बैंक में पहले से बैठे हुए थे और ये घटना इनके साथ पहले भी हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जीविका महिलाएं, अगर हम इसी तरह का हमारा लोन प्रोवाइड होता है गरीब महिलाओं को ताकि वो कुछ रोजगार आगे करके आगे वो बढ़ाती हैं, और ऐसे मैंने 8 करोड़ 10 करोड़ रुपये मैंने डिस्पर्स यहाँ पे हो चुका। बेतिया के नरकटियागंज जक्सर स्टेशन पर सुजीत कुमार वार्ड 2 धूमनगर निवासी सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में भीड़ होने के कारण संतुलन खो गिर गए, जिससे सर में गहरी चोट लग गई। वे कई घंटे तक बेहोशी की हालत में स्टेशन पर पड़े रहे और फिर उसकी मौत हो गई। आपको बता दीजिए, अगरबत्ती का व्यापार करने नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर जा रहे थे। वही परिजन का कहना है, समय रहते अगर प्रशासन इसे अस्पताल ले जाता तो आज ये दुख देखने को नहीं मिलता।
दूसरी तरफ जीआरपी प्रभारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, मौत के कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। नियमित पैसेंजर थे, ट्रेन में इतनी न भीड़ थी, जनरल बोगी में चढ़ने के क्रम में वो गिर गए, इससे उनकी अब हृदय गति रुकी या क्या हुआ, ये तो हम लोगों को परिजनों को जब खबर मिला तो हम लोग पहुंचे और उनको हॉस्पिटल ले गए, तो वहां डॉक्टर ने इनको मृत बता दिया। नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने पहुंचे एनडीए प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विकास की धीमी गति को मेरे जीत से रफ्तार मिलेगा। अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र के साथ बिहार में भी एनडीए की सरकार है, इसलिए अररिया लोकसभा की जनता मुझे भरपूर मत देकर सहयोग करेगी। अब अररिया लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा और आरजेडी की सीधी टक्कर होना तय है। अब देखना ये होगा कि 11 मार्च को होने वाले मतदान के दिन वोटर किस ओर अपना रुख करती है और किसके सर जीत का सहरा बंधेगा। देखिए, काम तो अनेकों बाकी है, काम तो ढेर सारा बाकी है, ऐसा नहीं है कि सारा काम हो गया है। काम चुनौती है और काम मैं ही करूंगा, क्योंकि बिहार में भी मेरी सरकार है और देश में भी मेरी सरकार है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है। गति आएगी लगता है, बिल्कुल, जो विकास का गति अवरुद्ध हो गया था उस गति में तेजी लाएगा और संपूर्ण अररिया जिला का सर्वांगीण विकास होगा। मुकामा में मराठीटाल क्षेत्र से खुदाई कर ले जाया जा रहा पाइपलाइन के कार्य को स्थानीय किसानों ने रोक दिया और उग्र प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने बताया कि बिना सूचना कंपनी ने लहलाती फसलों को रौंद कर खुदाई कार्य शुरू कर दिया। गिल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों को तकरीबन 25 करोड़ के फसल का नुकसान हुआ है। वहीं जमीन का भी मुआवजा दिए बगैर कंपनी सिर्फ रात में कार्य करती है, दिन में इक्का दुक्का मजदूर और गार्ड के सिवा कोई नहीं मिलता। वहीं नाराज किसानों ने कंपनी और प्रशासन से फसल और जमीन के मुआवजे की मांग की है और किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग सहमति के लिए उसको कई एक बार कहे, वो लोग आज भी हान करते जा रहा है, काम आगे आगे करते जा रहा है, हम लोगों की बात हुआ एकदम नहीं सुनती है, सीधा रात में काम करती है, दिन में वो लोग स्थिर से रहता है, रात में हम लोग अपने घर में सोते हैं, वो दिन रात में काम करता है। और अधिकारी जब हम लोग खेत पर पहुंचते हैं, अधिकारी नहीं मिलता है, केवल उसका कर्मचारी मिलता है और इसी तरह से वो एक महीना में लगभग बहुत फसल नुकसान कर दिया। आंदोलन की जब ये काम के लिए हमारे गांव आया था, हमने एसडीएम बाहर से मिलकर के व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर उनसे आगाह किया था कि हम लोग काम करने के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं, सरकार का जो मुआवजा का रकम है हम लोगों को दी जाए। पिछले 25 साल के बाद पहला बार ऐसा फसल आया है, हम लोगों को फसल से प्यार है, फिर भी काम करने के लिए दिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी किसान को आज तक उसने नोटिस नहीं दिया है और फसल को रौंद करके काम शुरू किया है, इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आए हैं और हम लोग आज सरकार के कुछ जो स्थानीय मुलाजिम हैं उनसे भी हम लोग बिछुब्ध हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि बिहार में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की भारी मतों से जीत होने की पूरी संभावना है। अररिया और बबुआ सीट पर भाजपा उम्मीदवार और जहानाबाद विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में पूरी तरह से लोकतंत्र है, जबकि महागठबंधन में लोकतंत्र की जगह परिवारवाद है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दल राजद और कांग्रेस का जनाधार न के बराबर है, राज्य की जनता इन दलों को पहले ही खारिज करने का मन बना ली है। लगता है ओल्ड चंपारण मीट हाउस से मंगवाया है। जी नहीं, ये ओल्ड चंपारण मीट हाउस के बीएमएच मसालों का कमाल है, न ज्यादा मसालों की जरूरत और स्वाद ही बिल्कुल सही। आपके सपनों का घर पनोरमा हाइट, ए यूनिट ऑफ सीमांचल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, हर सुख सुविधा से लैस, हरी भरी वादियों के बीच स्मार्ट टाउनशिप, 1 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, प्लेग्राउंड, 24 घंटे बिजली सप्लाई, पार्किंग की व्यवस्था,
गुणवत्तापूर्ण भूकंपरोधी भवन। हमारा पता पनोरमा हाइट, बिलोरी, पूर्णिया। संपर्क करें 7766900811 1618। कॉन्टेक्ट फॉर स्पेशल इंक्वायरीज टोल फ्री नंबर 1800120211। ब्रह्म कुमारी के शिक्षा प्रभाग और अन्ना मलाई विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग द्वारा मूल्य शिक्षा के आध्यात्मिकता पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में बिहार के मुख्य निर्देशिका राजयोगिनी रानी दीदी जी शामिल हुई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता को साथ रखना है शिक्षा जगत की नींव है। आप जो बैठे हैं आप अपना फोटो अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, जो बैठे हुए हैं थोड़ा सब्र कीजिए, कई कोर्स के भाई बहन बैठे हुए हमारे बीच में, एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, साथ साथ में एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के हैं, जो एक लौता है ये कोर्स का कंचन बहन भी आई हुई है, आज इस समाप्ति समारोह में भाग लिए हैं। बाद बाकी इनका क्लास बाद में होगा और सभी प्यार से। रोहतास के नाश्रीगंज थाना के अमियावर गांव में एक विकलांग युवक का शव मिला। आपको बता दें विकलांग के परिजन गला घोटकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरा डेहरी मुख्य पथ को जाम कर दिया है और पुलिस घटना के 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद कुमार नारायण झा ने कहा कि 7 निश्चय के तहत राज्यवासियों को पीने का शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए विभाग तैयार है। जहां पानी की कमी है वहां अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया जा चुका है। निश्चित रूप से विभाग आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त बिहार की जो कल्पना हमने की है, जो 2019 का लक्ष्य रखा है, इसको हम पूरा कर लेंगे। असल में हर घर नल देने का लक्ष्य तो बिहार सरकार का 2020 तक है, लेकिन तब तक इंतजार किए बगैर हम लोगों ने दोनों में आधी आधे भाग को विभाजित किया है और आधे में करीब 4000 वार्ड में बिहार में आर्सेनिक है, इसी तरह 2000 वार्ड में फ्लोराइड है, तो करीब आधे का टेंडर इस प्रक्रिया शुरू हो गई है और अधिकांश की टेंडर प्रक्रिया चालू है और काम प्रारंभ हो गया है, लेकिन फिर हम अगले वित्तीय वर्ष में शेष बचे सभी का टेंडर कर देंगे और जितने भी वार्ड में बिहार में आर्सेनिक और फ्लोराइड है इसको हम 2019 के दिसंबर तक मुक्त कर देंगे। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि राज्य में अपराध का बढ़ता ग्राफ विपक्ष के लोगों की देन है, अपराधियों को कहीं न कहीं वो प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। वहीं मंत्री ने ये भी कहा कि अब बहुत जल्द नगर विकास विभाग के आईटी सेल का गठन किया जा रहा है, जहां नगर निगम, जल पार्षद, बुडको आदि की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वो जहां जा रहे हैं और हम तो समझ रहे हैं कि अपराध को वो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अपराध को लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, जा कर के कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो पहले अपराध से अलग हो गए थे और आज फिर वो, हम तो मुजफ्फरपुर में कल एक घटना घटी है कि दिन में जो अपराधी घुस करके और डकैती किया और पूरा, और वो लोग जो है वो कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं। जब जो तेजस्वी यादव उसी रास्ते नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिनके उन पर उनके पिता लालू यादव चल रहे थे, लालू यादव जी ने कहा था कि आईटी क्या होता है, तो उनको विकास से क्या लेना देना। जो जातीय नरसंहार के पर चढ़कर सत्ता तक पहुंच जाते हैं उन्हें इन विकास के मामलों में क्या लेना। नीतीश कुमार जी और उनकी विकास की प्रतिबद्धता है, NDA की विकास की प्रतिबद्धता है, जापान क्या, दुनिया के किसी भी छोर पर जाने के लिए बिहार के विकास के लिए जाना पड़ेगा तो बिहार सरकार जाएगी, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करेंगे।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल किशोर झा ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं यूपीए काफी मजबूत स्थिति में है। नीरव मोदी के विदेश जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार के लोग की मिली भगत से ही आज इतनी बड़ी राशि लेकर विदेश चले गए। निश्चित तौर पर बिना केंद्र सरकार के सहयोग से विदेश जाना संभव नहीं है। देखिए, वो नीरव मोदी एक अकेला मामला नहीं है, उससे पहले भी कई मामले हुए हैं, विजय माल्या सहित, ललित मोदी सहित। इस सरकार में काम करने की प्रवृत्ति कम है, ये लोग आरोप लगाने में माहिर हैं। अभी भी इनको लगता है कि हम लोग अपोजिशन में, चार साल ही सरकार के बीत गए। 2016 में विसिल बिल्डर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी थी, फिर भी इन लोगों ने उस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया और बैंक का पैसा लूटता रहा, और वो लूट करके इनकी नज़र के सामने से भागा है, जिसमें मेरा मानना है कि इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक में कहा कि बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाएं खोली जा रही है और कई शाखाएं खुल भी गई है, जिससे लोगों को ऋण लेने में बैंकों का आंकड़ा भी बढ़ा है और लोग काफी संख्या में ऋण ले रहे हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड पर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि शिविर लगाकर बैंकों द्वारा वितरण किया जाएगा। एक जिसको हम बैंक मित्र कह सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जहां बैंक की शाखा उपलब्ध नहीं है, तो ये जो बैंक प्रतिनिधि होते हैं, ये कमीशन पर नियुक्त होते हैं और ये लोगों के ये गांव-गांव जाकर और लोगों का बैंक खाता खुलवाना, वो लोगों का पैसा जमा करवाना, लोगों के विड्रॉल करवाना और छोटे मोटे लोन, ये काम इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। और इनकी संख्या 15,584 है। जेंडर बस्टिंग मुख्य रूप से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जेंडर बस्टिंग के लिए बहुत चिंतित है, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो एग्जिस्टिंग बजट था 15-16 और 16-17 का, उसका पूरा एनालिसिस किया और हम लोगों ने बताया कि जेंडर बस्टिंग में कहाँ कितना खर्च हुआ है, यानी महिलाओं के लिए कितना बजट था, कितना बजट उसमें से खर्च हो पाया और कहाँ क्या आवश्यक है। इस पुस्तिका में मुख्य रूप से न सिर्फ सजेशंस है बल्कि एनालिसिस भी है और रिकमेंडेशंस भी है, ताकि भविष्य में जो बजट बने, खास करके अभी जो नया बजट आने वाला है बिहार सरकार का, उसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना क्या प्रावधान होना चाहिए और फिर उस पर कैसे काम होना चाहिए। तो इसमें रिकमेंडेशंस भी इस पुस्तिका में, रिपोर्ट में दी गई है। क्या विभाग की तरफ से ये नया आइडिया है या नहीं? जेंडर बस्टिंग तो बहुत पुरानी चीज़ है, जो कि बिहार में 2008-09 से ही शुरुआत इसकी हो चुकी है, लेकिन उसमें जेंडर बस्टिंग में मुख्य रूप से अभी तक आंकड़ों की बात होती थी कि कितना रुपया कहाँ जाना है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि जेंडर बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए जो है वो बजट हम बढ़ा दें, बल्कि मुख्य रूप से जेंडर बजटिंग का मतलब ये है कि कहाँ क्या ज़रूरत है, इसको देखते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए, उसके बाद फिर हम उसमें ये बताएं कि यहाँ पे इतने रुपए की आवश्यकता है और इस मद में करें। तो आप देखेंगे कि खास करके 2008 के बाद में, जब से ये सरकार आई है, तब से जेंडर बजटिंग महिलाओं के ऊपर बजट काफ़ी दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रम विरोधी बजट के खिलाफ आज पटना जीपीओ में एक सभा को संबोधित करते हुए मजदूर संघ के वरीय नेता ने कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से हम काफी नाराज हैं। ऐसे कई नियमों को केंद्र सरकार प्रस्तावित कर रही है जो मजदूर के हित में ही नहीं है। वही मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दिया है, यदि केंद्र सरकार कोई निर्णय हम मजदूरों के हित में नहीं लेती है तो आगे बृहद तौर पर आंदोलन की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ 17 नवंबर को दिल्ली में जब विशाल रैली किया तो प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण भेजा और हमने 44 महासंघों का मांग पत्र मंत्री समूह को सौंपा और अरुण जेटली जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके मांगों पर हम विचार करेंगे, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, उनके आने के बाद आपसे बात करेंगे। वित्त पूर्व जो कंसल्टेशन होता है उसमें भी भारतीय मजदूर संघ ने ये आंगनबाड़ी असंगठित क्षेत्र के मांग को उठाया, कर्मचारियों का स्लैब चेंज करने के लिए उनका जो है 5 लाख छूट के लिए, इन सारे बातों को उन्होंने आश्वस्त किया था। और जब बजट आया तो बजट में कोई भी प्रावधान कर्मचारी वर्ग या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नहीं हुआ।
कैशलेस टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा मुजफ्फरपुर के इमली चट्टे स्थित एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए संस्था के अधिकारी प्रभु कुमार ने कहा कि भारत सरकार के कैशलेस इंडिया के पहल के समर्थन में आम नागरिकों को कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरित करना अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में दफ्तर लगाया जाएगा और घर घर कैशलेस की सही जानकारी दी जाएगी। कैशलेस टेक्नोलॉजी एसोसिएशन एक ऑटोनॉमस है, नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन कमर्शियल, कोई व्यापारी नहीं, आम जनता को निःशुल्क परिसेवा और प्रशिक्षण देगा कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ, जिससे और वो प्रशिक्षण देगा हम लोगों का नियोजित किया हुआ कुछ कर्मी हर जिले में रहेगा, हर जिला कार्यालय में रहेगा, आम जनता को प्रशिक्षण करेगा वो भी निःशुल्क परिसेवा के साथ। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के भागीरथपुर पंचायत के मुसेपुर कुलवारा गांव में गणपति एवं शिव शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा बच्चों में कुपोषण से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मास्टर ट्रेनर नौशाद वारसी ने बताया कि दो दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत चार प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से 5 से 12 माह के बच्चों वाली माताओं को पूरक आहार के बारे में जानकारी दी जा रही है। 6 महीने से सही पूरक आहार, 6 महीने से सही पूरक आहार, बच्चे बच्चे को माँ का उपहार, बच्चे बच्चे को माँ का उपहार, 6 महीने से शुरू हो पूरक आहार, 6 महीने से शुरू हो पूरक आहार, बच्चे बच्चों का माँ का उपहार, बच्चे बच्चों का माँ का उपहार, 6 महीने से शुरू हो पूरक आहार, 6 महीने से शुरू हो पूरक आहार। रेलवे बहाली ग्रुप डी में ITI हटाने के लिए मांग कर रहे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने लाठी डंडे और पत्थर का इस्तेमाल किया जिससे कई छात्र घायल हो गए। इतना ही नहीं, कई छात्र को जबरन अरेस्ट कर जेल भेज दिया। इसके विरोध में NSUI और CRJD ने नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी भी की और छात्र नेताओं की मांग ये है कि जिन्हें जबरन अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो जानी चाहिए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ छात्रों ने अनोखा विरोध जताया है। आपको बता दें, छात्रों ने सड़क पर ऑटो और बाइक को घसीटकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। छात्रों का संगठन बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने निकला। इस दौरान ज्यादातर छात्र जहां अपनी बाइक को सड़क पर घसीटते दिखे तो कुछ छात्र ऑटो को रस्सियों से खींचते दिखे। पेट्रोल और डीजल में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, पिछले 2 महीने से 15 रुपये का तेल का, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ गया है, आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे ऑटो और बाइक को यहाँ पे रस्सी से बांध कर खींचते हुए केंद्र सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही, अंबानी और अदानी की जेब जो भरने की जो नीति है, गरीबों की जेब पे डाका डालकर इसको अब जनता सहने के मूड में नहीं है।